प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। साइंस क्लास 6 की वर्कशीट है 37। 30 नवंबर की वर्कशीट है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, मिरर एंड रिफ्लेक्शन। देखिए, लाइट वेव्स में चेंज देयर डायरेक्शन। लाइट वेव जो है अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है जब भी वो किसी सर्फेस से टकराती है, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। ठीक है, रिफ्लेक्शन। जैसे कि देखिए, अभी मान लीजिए कोई मिरर है और ये लाइट टकराई किसी सर्फेस से और इस तरह से बाउंस बैक हो गई। बॉल को आप दीवार पे मारते हैं तो क्या होता है, वापस आती है ना। दैट इज बिल्कुल सेम वे रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, अगर किसी चीज से जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, उससे टकरा रही है तो वो चीज बाउंस बैक होगी। तो मिरर भी एक रिफ्लेक्टर का काम करता है। जब देखो, मिरर क्या होता है, हमारे घर में जो मिरर है उसको बोला गया ये। पीछे से आपने देखा होगा शाइनी पॉलिश सर्फेस होती है, बिल्कुल पॉलिश पॉलिश होता है ना, उसके ऊपर कवर होता है, कवर प्लास्टिक का कवर या लकड़ी का कवर जो भी है, मिरर के पीछे होता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन। देखिए, जब वो रिफ्लेक्शन कर देता है, काफी 90% रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का कर देता है, तो उसी की वजह से क्या होती है, इमेज दिख पाती है हमारी, हम लोग अपना चेहरा देख पाते हैं, जिसको चेहरा बोलते हैं। आपने अपना चेहरा देख लिया है, आप बॉडी में देख पा रहे हो, मतलब उसमें मिरर में देख पा रहे हो अपना चेहरा या कोई भी चीज मिरर में देख रहे हो, दैट मीन्स उसको वो उसकी इमेज बन रही है। तो जो मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मिरर भी क्या करती है, जो लाइट पड़ती है मिरर पे उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ठीक है, आप ऐसी कोई भी चीज लेके देखिए, ऑब्जर्व करके देखिए, आप कहाँ कहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं भी किसी भी पॉइंट से देखेंगे, मान लीजिए लाइट आ रही किसी डॉट से, तो आपको हर जगह से एंगल अलग अलग मिलेंगे। व्हेन वी से अ सरफेस टू बी रफ, अगर कोई सरफेस रफ है, ठीक है, माइक्रो लेवल पे बहुत कम, तो जब वो बहुत कम रफ होता है ना, दैट मीन्स कि वो स्मूथ दिखता है, बिल्कुल चिकना, जैसे चिकनी लकड़ी कई बार होती है, लाइक इनेमल पेंट हो, जैसे पेंसिल के ऊपर देखते हैं ना, बिल्कुल पेंट होती है वो, स्मूथ चिकनी चिकनी पेंसिल लगती है, एक्चुअली में वो बहुत ही माइक्रो, बहुत ही छोटे लेवल पर रफ है, मतलब वो हमें ऐसे अपनी आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होती है, रफ सरफेस से लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड एट मेनी डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन में लाइट रेज चली जाती है, आ रही है फिर जा रही है, इधर आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो ये अलग अलग एंगल बनाती है किसी भी किस तरह के सरफेस से। ठीक है, तो इसी की वजह से हम जो है उस सरफेस को किसी भी एंगल से देख पाते हैं, किसी भी डायरेक्शन से देख पाते हैं। नाउ क्वेश्चन के आंसर, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट वेव से लाइट रेज है, मे चेंज देयर डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ रेज भी लिख सकते हैं, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। स्ट्राइकिंग अ सरफेस, जब वो किसी सरफेस से टकराती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ मिरर क्या होता है, मिरर एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट ही है। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, जब लाइट मिरर पे पड़ती है तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। व्हाई डू वी नीड अ शाइनी सरफेस, रिफ्लेक्शन के लिए शाइनी सरफेस क्यों चाहिए। जितना ज्यादा शाइन होगा, स्मूथनेस होगी सरफेस की, उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। आपने सुना होगा कि जो मिरर है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। नेम टू मटेरियल विच आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, मिरर हो सकता है या मार्बल हो गया या फिर ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो न्यू स्टील प्लेट हो गई, इस तरह के गुड रिफ्लेक्टर है लाइट के। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, तो एक आप बताइएगा गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट जो है, एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।